नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन 21वीं शताब्दी के इस दौर में जब डीप फेक को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तब डीप फेक या डीप फेक जैसा कुछ कर देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसिया एक अलग रास्ते पर जा रही है। फिर कह रहा हूं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कल यानी राजस्थान में चुनाव हो रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयता की आन बान शान की एक झलक दिखाने बेंगलुरु पहुंचे थे, और कर्नाटक के बेंगलुरु में वो तेजस पर बैठे और उड़ान भी भरे। उड़ान भरते हुए उन्हें इतने गौरव के पल महसूस हुए, जो अनुभूति उन्होंने की उसको तत्काल प्रकट भी कर दिया। और जब वो हवाई उड़ान पर थे, उसी समय उनको बैकअप दे रहे दो फाइटर जेट तेजस साथ ही साथ उड़ रहे थे, और जैसे ही वो फाइटर जेट बिल्कुल प्रधानमंत्री के फाइटर जेट के बराबरी में आए, प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को नहीं रोक सके और उन्होंने उनको अभिवादन दिया, उनका हाथ हिला करके स्वागत किया और चीयर्स किया। ये वो खबर है। पूरी तस्वीर में हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वीडियो के एक अंश को काटा गया है, और अंश को काटने के बाद प्रधानमंत्री का हाथ हिलाते हुए वो वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट किसने किया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको जानना चाहिए। बी वी श्रीनिवास, ये वो शख्स हैं जो वर्तमान समय में भारत की सबसे पुरानी पार्टी और पूरे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो वीवी श्रीनिवास इस वीडियो को पोस्ट करते हैं एक्स पर, और ये साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं, एक कैप्शन देते हैं, और कैप्शन का अंश है कि खुले आसमान में अकेले माननीय किसका अभिवादन कर रहे हैं, किसको हाथ हिला करके क्या कुछ दे रहे हैं, यह है उसका कैप्शन। लेकिन सच सामने आना चाहिए, और इसके पीछे मीडिया का जो दो वर्ग बना दिया गया है वर्तमान समय में, उससे थोड़ा दूर हटिए। ना तो गोदी मीडिया और ना लेफ्ट लिबरल गैंग की बात सुनिए। फिर कह रहा हूं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। प्रधानमंत्री का हाथ हिलाते हुए ये वीडियो पोस्ट किया वीवी श्रीनिवास ने, और कोई सामान्य एक्स पर पोस्टर होता और कोई सामान्य व्यक्ति करता तो समझा जा सकता था, लेकिन युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, वो भी किसी राज्य का नहीं, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ये पोस्ट कर रहे हैं। और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और वीवी श्रीनिवास के एक्स पेज पर जाकर के देख सकते हैं। वीवी श्रीनिवास के एक्स पेज पर जाइए और देखिए, ये वीडियो दिया गया है और उस पर ये कैप्शन लगाया गया जो हमने आपको बताया, लेकिन उसका सच आपको जानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर ये टिप्पणी करने की अगर उनकी कोशिश हुई तो कैसे है, गलत है या सही है, आप निर्णय करिए। अब ये देखिए, ये है वो वीडियो का सच जो हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरने के बाद, क्योंकि फाइटर जेट जब भी उड़ाया जाता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री उस पर उड़ान भर रहे थे, उड़ान का समय निश्चित होता है, और जो स्कॉर्ट कर रही होती हैं ऐसे शोज में, वो पूरे तरह से टाइमिंग के साथ एक दूसरे के अगल बगल आते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कॉर्ट करने वाला उनके साथ जो फाइटर जेट उड़ा था तेजस का, बराबरी पर आता है तो प्रधानमंत्री उसको मुड़ करके देखते हैं, और देखने के बाद वो चीयर्स करते हैं और हाथ हिलाते हैं। मतलब साफ, भारतीय, स्वदेशी, और स्वदेशी का इतना बड़ा प्रमाण कि वीके न्यूज पर आप जाकर के देख सकते हैं, हमने आपको बताया है कि तेजस की क्या वो खूबियां हैं जो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को इस समय चुनौती दे सकते हैं, और तमाम एयर शो जो बेंगलुरु में हुए हैं और
दुनिया के किसी अन्य भाग में उसमें तेजस ने इतना बढ़िया एयर शो प्रदर्शन किया है कि तेजस को खरीदने के लिए कई देशों से भारत का समझौता होने वाला है। ये स्वदेशी की वो पहचान है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की वो धाक है कि 8 से अधिक देश अब इस तेजस को खरीदने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, जिस तेजस पर प्रधानमंत्री उड़ रहे हैं और उड़ाने वाले वो फाइटर जेट्स के वो कर्मी, वो विशेषज्ञ जो इस फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, उसमें जो रोमांच का प्रधानमंत्री ने अनुभव किया, उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने हाथ हिलाया और चेयर्स किया। ये है वो खबर। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि इस देश में, फिर एक बार हम आते हैं उस मुद्दे पर, डीप फेक या डीप फेक जैसा काम अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से किया जा रहा है। मैंने ये डीप फेक का मामला नहीं, लेकिन डीप फेक अब कई स्वरूपों में आ रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी वीडियो के किसी अंश को दिखाकर, और जो पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने, हम देश ही नहीं दुनिया, क्योंकि फाइटर जेट का कोई शो होता है तो उस पर अमेरिका सहित तमाम देश के विशेषज्ञों की नजर होती है, क्योंकि एयर शो में उस फाइटर जेट की क्वालिटी का पता चलता है। तो हमने आपको बताया कि ये फाइटर जेट चाइना, जो स्वदेशी अपने फाइटर जेट को भारत के इस तेजस से बराबरी पर ला करके खड़ा किया है, उसकी क्वालिटी में भारत की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है, ये कई एयर शो में प्रमाणित भी हो चुका है। और हमने आपको बताया कि 8 से अधिक देश इस फाइटर जेट को खरीदने में उत्सुकता दिखा रहे हैं, और उसी फाइटर जेट पर प्रधानमंत्री जब उड़ रहे हैं तो उनको जो अनुभूति हो रही है वो अपने जेट सहयोगियों के साथ उसको चेयर्स कर रहे हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और देश की तरफ से उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत का ये स्वदेशी फाइटर जेट किस तरीके से आने वाले समय में देश की ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। तो आपने देखा कि विरोध के स्वर लोकतंत्र में जरूरी हैं, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार सवाल उठाता हूं कि भारतीय लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है कि देश की जनता अपने घर बैठे पूरे देश के राजनीतिक समीकरण का आकलन कर उसका विश्लेषण करके उस पर मनःस्थिति में आ जाती है, और वो देश की जनता जब सोशल मीडिया के जरिए और तमाम जो हमें समाचार उपलब्ध कराते हैं उनके जरिए जब घटना को बताती है, उस पर भी कांग्रेस पर्दा डालने की कोशिश करती है और ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट करके अपनी पार्टी और अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हल्का कर देती है। वो कर सकती है क्योंकि ये लोकतंत्र है। हो सकता है कि उसके इस कृत्य से बहुत लोग सहमत हों, और जिनकी सहमति है उनको खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन सच बताना और सच जानना भी हमारा आपका अधिकार है। इसलिए दो वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए, एक स्क्रीन पर जो वो अभिवादन कर रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं, एक तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं फाइटर जेट के उस कर्मी का जो उनके पैरेलल उड़ान भर रहा है, वो तस्वीर को काटा गया। और कांग्रेस के बड़े नेता, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो, बीबी श्रीनिवास, उनके फेस पोस्ट पर जाइए, एक्स पोस्ट फाइल पर पेज पर, और वहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये वीडियो दिया गया, उस पर कैप्शन लिखा गया। हमने आपको बताया कि कैप्शन में श्रीनिवास जी ने कितनी रचनात्मकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका सच ये है कि प्रधानमंत्री के पैरेलल ही देश का स्वदेशी फाइटर जेट शान से उड़ान भर रहा था और प्रधानमंत्री अभिभूत थे और इसलिए वो चीयर्स कर रहे थे। ये है वो सच। आप इस सच से कहां तक हैं सहमत या असहमत, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि हम आपको सच बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।